ये स्टूडेंट्स जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस आप वन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ जेके एसएसबी। आज के इस लेक्चर में हम सेम चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिमिट्स। पिछले लेक्चर में भी इसी का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, फंडामेंटल लिमिट, उसी को आगे ले जाएंगे। वी हैव डिस्कस हियर वन ऑफ द फंडामेंटल लिमिट फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यू डेरिवेटिव फ्रॉम द सेक्शन लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। द फंडामेंटल लिमिट इज लाइक दिस। इफ एन एंगल x is measured in radians, अगर हमारे पास एक एंगल होगा which is in measured in radians, then limit x tends to zero sine of x divide x it is equal to one। dear students, ये हमारे पास फंडामेंटल लिमिट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे ऑप्शंस होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नाउ वी यहां इसके एग्जांपल्स में से जहां पे हम इसी फंडामेंटल लिमिट को यूज करते हैं, वहां से आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now we discuss some exercises, जिन exercises में यही fundamental limit हम use करते हैं। Dear students, they are the important for your examination. First exercise or first example is like this: find limit x tends to zero sine of 5x over x. अगर इस तरह का question होगा, dear student, ये भी easy है। We have to simply दिस फंक्शन सेम एज दिस, इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ 5x ओवर x, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। वी हैव हियर साइन ऑफ 5x डिवाइड बाय 5x। डियर स्टूडेंट्स, वी मल्टीप्लाई हियर 5 एंड वी डिवाइड हियर 5। ये हमने यहां पे मल्टीपल 5 डिवाइड 5, ये 5 5 कैंसिल होगा, वी गेट द सेम फंक्शन। नाउ दिस इज इक्वल, अब हमारे पास इट इज फंक्शन, इट इज कॉन्स्टेंट, लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम्स फंक्शन। We have well-known property of limit of a function. Then limit of constant times function is always equal to constant times limit of function. वही हम यहाँ पे use करने वाले। That is limit x tends to zero sine of 5x divided by 5x. So इस तरह यहाँ पे as x goes to zero, x tends to zero. implies as 5x also tends to 0. Either we have here x tends to 0 or we write here 5x tends to 0. Therefore, this implies as 5 times limit 5x tends to 0. As x tends to 0, 5x tends to 0. इसी concept से ये हो सकता है। It is sine of 5x divided by 5x. Taking this as for timing, it will say y. यहाँ पे भी हम इसको मान ले timing y, इसको भी हम for timing y मान ले। What we get? Limit y tends to zero sine of y divided by y. It is the same as fundamental limit. This one is same as the fundamental limit. Therefore, this is equal to किसके बराबर होगा? 5 times यहाँ पे जो ये fundamental limit है, it is equal to 1. Therefore, the limit of this particular function is equal to 5. अब ये generalize भी हम कर सकते हैं, आपको इस तरह exam में question पूछा जा सकता है, limit
x tends to 0 sin of ax divided by x, इसका लिमिट क्या है? नीचे ऑप्शंस होंगे, सिंपली यू कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव विदाउट एनी कैलकुलेशन. यू कैन टेक सिंपली जो यहां पे a का वैल्यू होगा वही इसका लिमिट होगा, दैट इज लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज a. ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसी तरह दूसरा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वी हैव अ लिमिट x tends जीरो साइन ऑफ से 5x ही लेंगे डिवाइड बाय साइन ऑफ 3x. अब कोई सा भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, इसका लिमिट क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डियर स्टूडेंट ये तो इंपॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट वी राइट दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो. यहां पे भी कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट वी हैव हियर साइन ऑफ 5x, इसी के डिनोमिनेटर में हम डाल देंगे 5x, मल्टीपल हम कर लेंगे 5. देयर सो 5 5 विल कैंसिल x रहेगा, होल डिवाइड वी हैव sin ऑफ 3x, इसमें भी डिवाइड कर लेंगे 3x इनटू कर लेंगे 3. देयर सी देयर सो वी हैव 3 एंड 3 विल गो कैंसिल होगा, 5 कैंसिल विद 5, x cancel with x, we get the same function. Rational function जो है वो वही हमें मिलेगी. But see here, we have here 5 by 3 as constant. It goes outside the limit. जिस तरह यहाँ पे हमने use किया, it is equal to now 5 by 3. Limit x tends to 0. यहाँ पे क्या रहा? अब sin of 5x over होगा 5x. Whole divide sin of 3x divide 3x. ये हमारे पास है. It is here rational function. Taking this as fx, this as gx. For time we have limit x tends to 0 fx by gx. It is well known. Property of limit of a function is we have limit of division of function is equal to division of limit of function. That can be written in this form, that is 5 by 3 limit x tends to 0 sin of 5x divided by 5x whole divide limit x tends to 0 sin of 3x divided 3x. We use here limit of division of function is it is equal to division of limits of limit of function. Ye humne yahan pe use kiya. Now see here, in numerator and denominator, as x goes to 0, 5x also goes to 0. Yahan pe hum likh sakte hain, as x goes to 0 implies 5x also tends to 0. Isi tarah x tends to 0 implies 3x tends to 0. Ye cheeze hum yahan pe use kar sakte hain. We get here, and dear students, it is equal to 5 by 3 numerator mein limit हम लिखेंगे 5x tends to 0 sin of 5x divided by 5x divide limit 3x tends to 0 sin of 3x divided by 3x. Now dear students, you see here, ये जो numerator में यहाँ पे जो function है, it is same as the given fundamental limit. इसी तरह जो denominator में, it is the same as the fundamental limit. We have here in numerator it, the value is 1. Is it the denominator mein iska value 1 hai. We get here it is equal to now simply 5 by 3 into 1 by 1. That is equal to 5 by 3. Ye iska answer. Is tarah humare paas is exercise ka answer aa gaya. Now we generalize this. If we have this one, this type of limit, limit x tends to 0 sin of ax divided by dx, sin of dx, sin of dx. अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यू कैन गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन इजीली विदाउट कैलकुलेशन. दैट इज सिंपली दिस, यू कैन राइट दिस ए डिवाइड सिंपली इसका लिमिट होगा ए बाई.
डियर स्टूडेंट, इस तरह इस फंडामेंटल लिमिट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ एक्सरसाइज को सिंपलीफाई करके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फंडामेंटल लिमिट समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे पहले कि वीडियो का काम कर रहे, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले हो, और वीडियो शेयर कर लेना, दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेमाल हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।